मैंने एक डबल रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली है ताकि कोई इशू हो तो हमें कम से कम स्क्रीन जो है ना वो मिल जाए। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। जी माजरत, जरा नेट का इशू आया हुआ था तो उस वजह से ये मसला बना हुआ था। चलें जी, हम बात कर रहे थे, अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, रब्बी शराह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दत मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अल्लाह ताला हमारे काम में आसानी पैदा करे और हमारे काम को आसानी से निपटाने की हिम्मत भी अता करे। दिस इज जी, तो हम बात कर रहे थे कि सेक्शन 20 हमें एक्सपेंसेस को डिसअलाउ करता है। वो कहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर आप नहीं कर सकते, पर्सनल एक्सपेंडिचर आपको अलाउ नहीं है, पेमेंट आपने एहतियात करनी है, सैलरी देते हुए पर मंथ पर एम्प्लॉय जो है वो आपको 32,000 तक आप कैश में दे सकते हैं, राइट। एक फर्म जो है वो अपने मेंबर को सैलरी नहीं दे सकती, रेमुनरेशन नहीं दे सकती, प्रॉफिट ऑन डेट नहीं दे सकती। ये सारी चीजें आपके जहन में होनी चाहिए। मैं साथ साथ इसको रिपीट भी करता जाऊंगा। मैं अपनी अब स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करता हूं और पास पेपर का सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। आपको आई होप सो के मेरी पिक्चर भी नजर आ रही होगी। मेरी स्क्रीन अगर आप लोगों के साथ शेयर हो चुकी है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा कि सर आपकी स्क्रीन शेयर हो गई। बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। जी एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने अब अपना पर्सनल नेट जो है वो ऑन कर लिया है मोबाइल से, तो अल्लाह खैर करे। जी अब देखिएगा, आपके सामने आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी, ठीक है जी। स्क्रीन को देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या चीज मौजूद है। इसमें है जी प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। अच्छा, ये क्वेश्चन कौन सा है इसको हम देखते हैं। कंप्यूट द करेक्ट हेड ऑफ इनकम, ये हम देख चुके हुए हैं, जमशेद केमिकल एंड सुल्ताना। तो पहले क्वेश्चन की नेचर देखनी पड़ेगी, जमशेद एंड सुल्ताना आर इक्वल पार्टनर। ये देखिएगा, अगर उन्होंने कहा है जी इक्वल पार्टनर है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन किसका है, ए ओ पी का है, पार्टनरशिप का है, और एक पार्टनरशिप फर्म अपने मेंबर्स को जो है वो नहीं दे सकती, सैलरी वगैरह नहीं दे सकती। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है जी हमें 30 जून 24 के लिए। कहते हैं जी द कॉस्ट ऑफ सेल इंक्लूड 2.5 लाख अगेंस्ट द प्रोविजन फॉर स्लो मूविंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ सेल में शामिल है इसके अंदर 31 मिलियन में ये 2.5 लाख रुपया मेरा बेटा शामिल है। गौर करें, शामिल से मुराद ये है कि इसने इस प्रॉफिट को क्या किया हुआ, कम किया हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि इस लाइन को कॉपी करते हैं और हम अपनी नोट्स के अंदर जाके इसको सेव करते हैं, जो कि आपको बाद में इंशाल्लाह मिल जाएंगे, बड़े जबरदस्त ये नोट्स होंगे। इसको जाके मैं ऐसे कर लेता हूं और इसकी स्पेस कम करने के लिए मैं एक फॉर्मेटिंग में जाके इसको सिंगल लाइन पे कर लूं ताकि आपको स्पेस अच्छी मिल जाए। तो सबसे पहले जी ट्रीटमेंट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हम कहेंगे कि इस लाइन ने क्या किया हुआ है, रिड्यूस्ड द प्रॉफिट, ठीक है, इसने प्रॉफिट को रिड्यूस किया हुआ है, ठीक है। अब सवाल यह है कि क्या इसको रिड्यूस करना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि एक और लाइन भी हम बना लें ताकि मजीद आपको समझने में भी आसानी हो। इसने एक्चुअली ट्रीटमेंट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट्स राइट
नॉट, अलाउड और नॉट हम ये लिखते हैं, ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा, अलाउड और नॉट, क्या ये अलाउ था या नहीं था। मैं लेआउट में जाके ओरिएंटेशन में लैंडस्केप कर लूं ताकि मुझे स्पेस मजीद ज्यादा मिल जाए और मुझे काम करने में भी आसानी हो। शाबाश, देखें जी, काम सीखने का ये फायदा तो हुआ है। अब सवाल ये है, अब जरा इस लाइन को पढ़िए, द कॉस्ट ऑफ सेल इंक्लूड रुपीज 250 अगेंस्ट द प्रोविजन फॉर स्लो मूविंग स्टॉक। तो क्या ये चीज जो बताई गई है, क्या ये हमें, इसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे ये इम्पैक्ट दिया, क्या ये आपको अलाउ थी, क्या स्लो मूविंग के अगेंस्ट आप जो है वो एक्सपेंसेस को चार्ज कर सकते हैं। द आंसर इज नो, नॉट अलाउड, ये अलाउ नहीं है। प्रोविजन या प्रवीन बिजनेस में जो है वो मुदाखलत नहीं कर सकती, लिहाजा ये हमें अलाउ नहीं थी। तो टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगी, द प्रॉफिट विल बी इंक्रीज्ड बाय 250,000। तो प्रॉफिट में हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एक एक करके मुझे बस आपने थम्स अप करना है या आपने यस करना है ताकि मुझे समझ आ जाए कि ये बात आपको समझ आ गई है। आप जब मेरा लेक्चर ले रहे हो तो प्लीज आपने कॉपी पेन आपके हाथ में हो, लाइन को पढ़ने के बाद आपने उसका मुझे बताना है कि सर ये बात मुझे समझ आ गई है या नहीं समझ आई। जी, स्लो मूविंग हमने जो आइटम थी उसका हमें अलाउ नहीं था। आप स्लो मूविंग का लॉ ने कहीं भी नहीं कहा, एक्चुअल एक्सपेंसेस हमें अलाउ होते हैं। आप अगर उसमें स्लो मूविंग वाला कोई कॉन्सेप्ट लेंगे तो वो आपको अलाउ नहीं होगा। यस जी बेटा, जल्दी करें, मुझे लगता है मुझे बिठा के आप चाय पी रहे हैं। ओके जी, इन्होंने सवाल किया है कि हम क्या करेंगे। हम करेंगे ये कि ये जो आपको प्रॉफिट नजर आ रहा है ना, इसमें जाके हम लिख देंगे अपने क्वेश्चन में ऐड, ठीक है, प्रोविजन फॉर स्लो मूविंग स्टॉक। तो हम इसमें जाके दोबारा इसको, यानी हमारे क्वेश्चन में ऊपर होगा प्रॉफिट, मैं यहां लिख देता हूं। हमारे क्वेश्चन में हम अपना क्वेश्चन करेंगे, इसमें लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल बिजनेस इनकम, ठीक है, और इसमें हम पहली लाइन पर लिखेंगे अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हमें यही फिगर चाहिए होती है, ठीक है जी, वो हम लिखेंगे यहां 13 मिलियन, सही है, और इसमें ये 250 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये हमारा ट्रीटमेंट होगा। आप समझ आई कि यानी ये इसमें से माइनस हुआ था तो हमने फैसला किया कि ये माइनस नहीं होना चाहिए, लिहाजा इसको ऐड कर दिया गया, जो चीज गलत माइनस हुई थी उसको दोबारा ऐड कर दिया। जी आप बताइएगा बेटा, जल्दी करें जरा ताकि मैं मजीद काम कर सकूं इसके ऊपर। ओके, अब चलते हैं जी सेकंड अपने उसके ऊपर। कहता जी एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड अ सैलरी ऑफ 450 पेड टू ईच पार्टनर। हम इसमें जाके करेंगे, इसको पेस्ट करते हैं और लिखते हैं, ठीक है, एडमिन एंड सैलरी, यानी इसका से क्या मुराद है, मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं, सैलरी पेड बाय एओपी टू इट्स मेंबर्स, जिसने प्रॉफिट को क्या किया है, रिड्यूस्ड प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट, रिड्यूस अकाउंटिंग प्रॉफिट, नॉट अलाउड, रेफरेंस लिख दूं आपको, सेक्शन 21 ने इसको डिस अलाउ किया हुआ है, ठीक है। तो प्रॉफिट में क्या करेंगे, कहता जी ईच पार्टनर, कितने पार्टनर हैं, दो, देखिएगा कितने पार्टनर हैं,
इसके अंदर दो पार्टनर, तो दोनों की सैलरी को क्या कर दिया जाएगा, 450 को ऐड कर देंगे इसकी प्रॉफिट के अंदर, ठीक है। द प्रॉफिट विल बी इंक्रीज्ड बाय 450 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पार्टनर्स, जितने पार्टनर्स को दी है तो उसके साथ हम इसको इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। और अपने क्वेश्चन में क्या करेंगे, अपनी जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक्चुअली हम लिखेंगे ऐड सैलरी पेड बाय एओपी टू इट्स मेंबर्स, तो कितने हैं वो, दो थे ना, 450, तो टू से इसको ऐड कर दिया जाएगा। जी बेटा, सेक्शन 21 कहता है कि एक फर्म अपने मेंबर्स को सैलरी नहीं दे सकती, अगर देगी तो हम उसको अलाउ नहीं करेंगे, यानी हराम होगी ना, तो हराम चीज इनकम को बढ़ा देती है जो अलाउ नहीं थी। वेरी गुड, शाबाश, चलें जी। फाइनेंस कॉस्ट इंक्लूड इंटरेस्ट ऑफ 325 पे टू ईच पार्टनर ऑन देयर कैपिटल अमाउंट। बेटा देखें, ये भी जो है वो लॉ, उसने कहा है कि प्रॉफिट ऑन डेट इज नॉट अलाउड। लॉ में क्या लफ्ज लिखा हुआ है, प्रॉफिट ऑन डेट इज नॉट अलाउड। हम चलते हैं अपने पॉइंट के ऊपर, इसको हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है जी, ताकि हमें करने में कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। हम लॉ में लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑन डेट पेड बाय द एओपी टू इट्स मेंबर इज नॉट अलाउड, ठीक है जी। इसने क्या किया हुआ है, प्रॉफिट को इस अमाउंट ने रिड्यूस किया हुआ है, तो क्या करेंगे, नॉट अलाउड, हम वही सेम सिचुएशन, यही सेम रेफरेंस दे देंगे इधर, द प्रॉफिट विल बी इंक्रीज्ड बाय 325 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पार्टनर्स, फाइन। तो हम अपने क्वेश्चन में जाके भी यही करेंगे, एड इंटरेस्ट लिख दें या प्रॉफिट ऑन डेट लिख दें, एक ही बात है, इंटरेस्ट पेड बाय एओपी टू इट्स मेंबर इज नॉट अलाउड, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां कर देंगे 325 इंटू टू। जी मेरा बेटा, क्लियर, वेरी गुड इब्राहिम, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। ले जी, कहता जी अदर इनकम इंक्लूड, हम छोड़ देते हैं इनकम को, हमें सिर्फ सेक्शन 20 और 21 को देखना है। ऑन फर्स्ट मे सुल्ताना जो पार्टनर है, जमशेद परमिशन मूव्ड सम ऑफ द ऑफिस फर्नीचर टू हर रेजिडेंट फॉर पर्सनल यूज, फर्नीचर द मार्केट प्राइस ऑफ द फर्नीचर दिस द फर्नीचर वाज, नहीं ये हमारा रेलेवेंट नहीं है, ये प्लॉट नहीं है, सुल्ताना रिसीव शेयर दिस सुल्ताना इज ऑल्सो, नहीं जी। चले जी, कोई और क्वेश्चन ढूंढते हैं, इस क्वेश्चन में से हमें दो एडजस्टमेंट्स मिली हैं, हो सकता है और भी हो, लेकिन हम फिलहाल अपनी बाकी एडजस्टमेंट्स को देखते हैं। अब चलते हैं जी हम चैप्टर नंबर 16 के अंदर, खालिद साहब ने जो बिजनेस के ऊपर जो चैप्टर बांधा है उसको जाके देखते हैं। ये हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है जी मार्च 2022 का, मार्च 2022 का 16.21, सही है जी? और देखते हैं इसकी, पहले बिजनेस की कंस्ट्रक्शन देखनी पड़ेगी। आकाश कुमार ओन्स एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कहते हैं अंडर द नेम एंड स्टाइल ऑफ प्रेम जी एंड कंपनी, बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, आकाश कुमार एक बंदा है। देखिएगा कहीं पार्टनर की इंफॉर्मेशन मुझे नहीं मिली हुई, कहीं पार्टनर की इंफॉर्मेशन मुझे नहीं मिली हुई, ये बात नोट कीजिएगा। यानी ऐसे लग रहा है कि जैसे ये फर्म नहीं है, ये बहुत जरूरी है डिसाइड करना कि ये फर्म है या नहीं है। रिक्वायरमेंट देखते हैं जी इसकी, कहता जी अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस रूल्स कंप्यूट टैक्सेबल इनकम दिस पायर टू आकाश, ये देखिएगा यहां भी समझ आ रही है कि नॉन सैलरीड पर्सन है, क्या है, नॉन सैलरीड पर्सन है, ठीक है जी। सवाल को देखते हैं,
क्वेश्चन के अंदर हमें कहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नजर नहीं आ रहा, सबसे पहली चीज राइट। या तो ये सैलिड होगा या कुछ और होगा, उसको देखना पड़ेगा। कहता जी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम पीजेस रिकॉर्ड फॉर द ईयर 30 जून 2024। लॉस बिफोर टैक्स फॉर द ईयर 87 मिलियन, कितना है ये दिखेगा। उसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बजाय क्या कर दिया, हमें सिर्फ एक लाइन में लॉस दे दिया राइट। अब देखते हैं इसका क्या होगा। देखें इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन था पूरा। अब यहां एग्जामिनर ने हमें सिर्फ ये वाली फिगर दे दी, ये वाली, दिस वन, ठीक है। इसको जरा आपने नोट करना कि हमें ये वाली फिगर गिवन है, सही है। अब हम अगर एग्जाम में प्रॉफिट होगा प्रॉफिट लिख देंगे, लॉस होगा तो लॉस लिख लेंगे। चले जी इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को। इसमें भी हम ऐसे लिखेंगे लॉस एज पर अकाउंट, हम अपना टिपिकल वही स्टाइल रखते हैं। ये थी हमारी सितंबर 2024 की अटेम्प्ट, वेरी गुड, उसने इसको डेट में लिख लिया 2024 की अटेम्प्ट बिजनेस की। मैंने कहा था कि ये सोल्यूशन भी बनता जाए। अब ये हमारी आगे है जी मार्च 2022 की अटेम्प्ट, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास, इसको क्वेश्चन नंबर 1 था और ये हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर है जी 3। क्वेश्चन नंबर हम 3 भी लिखते जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ बिजनेस इनकम को हमने कन्वर्ट करना था, तो उसने अकाउंटिंग प्रॉफिट की बजाय क्या दे दिया, अकाउंटिंग लॉस दे दिया। नो वरी, कोई ट्रीटमेंट मुख्तलिफ नहीं होगा, ये बात आपने याद रखनी है मेरे लाल। यहाँ आ जाएगा अकाउंटिंग लॉस। सवाल के ऊपर देखते हैं, अकाउंटिंग लॉस है जी 87 मिलियन का, चलते हैं। तो मैं यहाँ नेगेटिव लिखूंगा 87, ठीक है, इससे आपने परेशान नहीं होना, बस ये अकाउंटिंग लॉस है तो लॉस है बस। चलें जी, अब इसकी एडजस्टमेंट्स को देखते हैं और देखते हैं किसने हमारे प्रॉफिट को हिट किया या नहीं। यहां पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपने समझनी है, ऊपर लॉस लिखा हो या प्रॉफिट लिखा हो, नीचे प्लस माइनस का ट्रीटमेंट चेंज नहीं होगा। स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ। ऊपर प्रॉफिट गिवन हो या लॉस हो, जो एक्सपेंसेस गलत माइनस होते हैं उनको ऐड ही करना है। अब आपने ऊपर साइन को भूल जाना है, लेकिन जब टोटल करेंगे फिर उसको नेगेटिव पॉजिटिव लेंगे। अभी आपने ऊपर प्रॉफिट ही समझे कि ऊपर प्रॉफिट लिखा हुआ है। कहता जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंस में अगर कोई चीज शामिल हो तो उसने प्रॉफिट को कम किया होता है, प्रॉफिट को कम किया होता है। ए पेनल्टी ऑफ 2 मिलियन फॉर लेट डिलीवरी ऑफ गुड्स टू अ कस्टमर। चलें जी इसको हम देखते हैं, ये हमारा पॉइंट है क्योंकि पेनल्टी सेक्शन 21 में डिस्कस हुई हुई है, तो इसको हम लेकर अपने पहले कंटेंट्स में चलते हैं। एक मिनट जी, हेलो, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, जी जी सर जी, हम दो बच्चियां बैठी हुई हैं सर, अप्रूवल नहीं मिल रही रजिस्ट्रेशन की, हमने लेक्चर लेना था। अच्छा अच्छा, कहाँ से नहीं मिल रही सर, जूम पे क्लास नहीं ज्वाइन हो पा रही हूँ, कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन पेंडिंग। एक मिनट है, रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है। अच्छा एक मिनट, रजिस्ट्रेशन क्यों मांग रहा है ये, एक मिनट बेटा, ये कोई होल्ड कीजिएगा, ये रजिस्ट्रेशन कहाँ से होनी मुझे अब इसका पता चलना चाहिए। लॉबी में तो नहीं आप बैठी हैं,
प्रोसेस आपको रजिस्ट्रेशन किस चीज की वो मांग रहा है? एक मिनट होल्ड कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन कहाँ से इसको अलाउ करनी होती है? सर, आपने जो लिंक शेयर किया था उसी से हमने ज्वाइन किया है, तो वो आगे से कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन कर ली है, मतलब ईमेल वगैरह देख, तो वो कह रहे हैं कि आगे से मतलब अप्रूवल नहीं है, रजिस्ट्रेशन पेंडिंग पे है। एक मिनट होल्ड करें, यहाँ कहीं आ रही होगी रजिस्ट्रेशन का। मैं एक मिनट कॉल करता हूँ जरा ना उसे शहजाद को, जी जी उसे मैं सर, कहता हूँ थैंक कि इसका देखे कि क्या करना है। बेटा जरा एक मिनट होल्ड कीजिएगा, कुछ जो है ना स्टूडेंट हैं वो एंटर नहीं हो पा रहे, उन्होंने कुछ रजिस्ट्रेशन वाला मसला डाला हुआ है, मैं इनको कॉल करूँ। अच्छा वालेकुम सलाम शहजाद, ये ना कोई बच्चे कह रहे हैं कि हमें रजिस्ट्रेशन मांग रहा है वो। ये मैंने ओपन दिया था सबके लिए, ये लिंक जो है बाकी स्टूडेंट भी इसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कोई रजिस्ट्रेशन का इशू हमें आ रहा है, कि वो कह रहा है रजिस्टर्ड नहीं है। ओके, आप सबको ज्वाइन करवाना चाह रहे हैं। जी, ठीक है सर, मैं ये कर देता हूँ। असल में बनाया हुआ था खाली नहीं ऑनलाइन के लिए, न्यू जी लिंक बना दूँ आज के लिए मैं के। नहीं, वो तो मैं बना लूंगा लिंक, अगर बनाना है तो इसी अकरेंस को एडिट कर दो। इसमें आता है ना अकरेंस आती है और ये आता है, इसको सिर्फ एडिट कर दें, जी ठीक है, या मैं नया लिंक बना रहा हूँ। क्योंकि मेरे ख्याल में न्यू बेटर रहेगा, क्योंकि ये जो इनके ना ये रिकॉर्डिंग इन ऑनलाइन जो प्रोग्रेस। पास है, रेगुलर डेज में जो क्लासेस हम लेते हैं ना ऑनलाइन चले, की, मैं बना तो लेता किसी हूँ, को अलाउ नहीं किया होगा हमने। मैं बना लेता हूँ। देखना, मैं बना के शेयर कर दूँ क्या आप कर आप लेंगे? बना के जरा फिर जल्दी कर दें, स्टूडेंट वेट कर रहे हैं। और मैं आपको शेयर कर रहा हूँ अभी। Recording in progress. अच्छा बेटा, इसमें ये पिक्चर भी नहीं आ रही। बेटा इसमें मैं पता क्या है कि अभी ये कर रहा हूँ कि इसका नया लिंक जो है ना वो आईटी वाले जनरेट कर रहे हैं, मैं आपको वो देता हूँ, और ताकि स्टेबल होके बाकी लोग जो है ना वो भी काम कर लें। ठीक है, वो भी इसका एक नया लिंक जनरेट कर रहे हैं, तो वो आपको ना जैसे ही मुझे लिंक मिलता है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। Recording stopped. अस्सलाम वालेकुम बेटा, इसमें एक ना इशू आ रहा है कि कोई, बेटा Recording in progress. इसमें एक ना लिंक में इशू आ रहा है, तो मैं वो जो लिंक है ना स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर पा रहे ऑनलाइन,
तो मैं एक काम करता हूँ कि इसको एक नया लिंक जो है मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ, क्लास को लूज नहीं करना, तो आप उस लिंक के थ्रू जो है ना दोबारा ज्वाइन करें, ठीक है? अभी मैं इस मीटिंग को एंड कर देता हूँ, इंशाल्लाह ताला मैं दोबारा उसको वो कर रहा हूँ, ठीक है? गेम खेल रहे हो?
Recording in progress. Assalamu alaikum. जी बेटा, मेरी आवाज आ रही है आपको? हैं जी, चलें जी, अल्लाह करे ये अब जो है वो हमारा स्मूथ चलता रहे। अच्छा जी, अभी हम जो बात करने जा रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा जो न्यू कमर्स हैं उनको मैं ब्रीफ कर दूं कि हम बिजनेस में कुछ एक्सपेंडिचर्स अलाउ हैं और कुछ एक्सपेंडिचर्स अलाउ नहीं हैं। तो जो हम क्या कर रहे हैं कि इस वक्त पास पेपर जो हैं, जो पास पेपर्स हैं उनके लिए हम वहां से केस उठाएंगे और देखेंगे कि एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट किस तरह से होगा, कौन से एक्सपेंसेस अलाउ हैं और कौन से एक्सपेंसेस अलाउ नहीं हैं, राइट? ये एक बड़ा जबरदस्त और इम्पोर्टेंट सेशन है, ये मैं पहली दफा जो है ना ये कर रहा हूं, राइट? तो इसको जरा हम देखते हैं इसमें। इसके लिए मैं आपके साथ क्या क्या चीजें शेयर करूंगा, पास पेपर शेयर करूंगा और एक शीट हम तैयार कर रहे हैं जो आपके साथ बाद में इंशाल्लाह शेयर करती जाएगी। उस शीट के अंदर हम ये करेंगे कि आपको जो स्टेटमेंट है लॉ की, जो एग्जाम की स्टेटमेंट है, उसका इंपैक्ट देखेंगे और उसका टैक्स में ट्रीटमेंट देखेंगे। इस तरह से एक एक्सेल की शीट में आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें उस लाइन का हम ट्रीटमेंट जो है वो करते जाएंगे। दाऊद बेटा, इसको बंद कर दे बेटा, कोई प्रॉब्लम आ रही हो गई। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। जी अल्लाह ताला को मेरी आवाज बेटा आप लोगों को आ रही है? स्क्रीन नहीं शेयर हो रही? नहीं, हिम्मत नहीं आ रही। व्यवस्था रहे शजर से उम्मीदें बहार रख। तो हम उसकी प्रैक्टिस करने लगे हैं इंशाल्लाह। ये जरा आज मुझे, मैं घर पे हूं तो जरा मुझे काफी ज्यादा फेस करना पड़ रहा है नेट का इशू।
लेकिन इंशाल्लाह हमने टाइम नहीं वेस्ट करना, टाइम हमारे पास कम है तो इसको हम करते हैं। ले जी चलते हैं, बजाय इसके कि फिर जो है वो नेट हमारा कोई मसला करे, हमें इसको करना है। ठीक है जी, आ गया। चलिए जी, अभी हम देख रहे थे एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। मार्च 22 का एक क्वेश्चन है जी, ठीक है, और ये एक आकाश कुमार हैं। आकाश कुमार, वो उनके कारोबार का नाम है प्रेम जी एंड कंपनी। ये इंडिविजुअल हैं, यानी हमारे मुताबिक ये नॉन सैलरीड हैं। उनका हमें एग्जाम में लॉस गिवन है, प्रॉफिट की बजाय लॉस गिवन है। हमें एग्जाम में प्रॉफिट हो या लॉस हो, टैक्स एडजस्टमेंट्स के लिए हमने प्रॉफिट ही कंसीडर करना है। जब कैलकुलेट करेंगे तो उस वक्त नेगेटिव फिगर लेंगे, यानी जब कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे फिर उसको नेगेटिव लेंगे। आपको एग्जाम में प्रॉफिट हो या लॉस गिवन हो, इसी तरह से आप करेंगे। ये देखें, इससे पहले क्वेश्चन मौजूद है हमारे पास, जिसके अंदर आप देखिएगा कि हमारे पास 13,000 जो है वो प्रॉफिट गिवन था, और इसमें पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी गिवन था। ये अटेम्प्ट हमारी सितंबर 2024 की थी, तो हमें पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिल जाए या ये वाली फिगर मिल जाए, हमें चाहिए ही ये होती है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो लिहाजा यही फिगर हमारे पास मौजूद है, इसी को हम लेकर आगे चलेंगे। ये तो पिछला हमने क्वेश्चन पिछले सेशन में किया था। अभी जो है हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मिस्टर आकाश कुमार वाला। मिस्टर आकाश कुमार का लॉस है, और वो कहते हैं लॉस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या चीज शामिल है। आप पेनल्टी ऑफ 2 मिलियन फॉर लेट डिलीवरी टू कस्टमर्स। ऑपरेटिंग एक्सपेंस से क्या मुराद है, कि इस ऑपरेटिंग एक्सपेंस में शामिल से मुराद पहले इसका इम्पैक्ट देखना है। इसने प्रॉफिट को कम किया है, अगर कोई चीज एक्सपेंस में शामिल होगी तो उसने प्रॉफिट को कम किया है। पहले सिर्फ ये बात सोचनी है। मैं इसको कॉपी करता हूं, अपनी जो समरी है उसमें लेके जाता हूं, और यहां पर मैं इसको लिखता हूं ए कर देता हूं, और यहां लिखता हूं अटेम्प्ट का नाम मार्च 2020 मिस्टर आकाश का, ताकि आपको क्वेश्चन करने में भी आसानी हो। मैं यहां भी लिख देता हूं, ये थी हमारी सितंबर, फॉर्मेटिंग बाद में फॉर्मेटिंग कर दी जाएगी, सितंबर 2024 की अटेम्प्ट थी। ठीक है, ये एक एओपी था, उसका क्वेश्चन ये शामिल था, उसकी ये एडजस्टमेंट थी। तो कहता जी पेनल्टी 2 मिलियन की थी। आपने ऊपर ये नोट करना है कि ट्रीटमेंट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ये पहली वाली चीज है। इसको मैं यहाँ पर फुल स्क्रीन में कर लू। ये ट्रांजेक्शन गिवन है, आपने इसको फोकस करना है कि ये ट्रांजेक्शन हमारे एग्जाम में गिवन है। पेनल्टी ऑफ 2 मिलियन, ठीक है जी, फॉर द लेट डिलीवरी ऑफ गुड्स टू अ कस्टमर। देखना है प्रॉफिट में इसने क्या इम्पैक्ट दिया, तो प्रॉफिट को क्या किया इसने, रिड्यूस किया हुआ है, राइट। अब सवाल ये था कि इसको प्रॉफिट को रिड्यूस करना चाहिए था या नहीं। देखिए सेक्शन 21 हमें क्या कहता है, वो कहता है कि पेनल्टी फॉर द वायोलेशन ऑफ एनी लॉ इज नॉट अलाउड। तो लिहाजा ये हमें क्या थी, अलाउड थी, ठीक है, सेक्शन 21 के अंदर। मैं लिख देता हूं बिजनेस पेनल्टीज आर अलाउड। तो इसने प्रॉफिट को हिट किया, प्रॉफिट को हिट करना चाहिए था, यस करना चाहिए था, लिहाजा इसका कोई ट्रीटमेंट टैक्स में नहीं होगा। तो हम अगर अपना क्वेश्चन लिख रहे होंगे, बना रहे होंगे ऐसे ही कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, तो इसमें हम क्या करेंगे कि अकाउंटिंग लॉस बिफोर ईयर ये करेंगे, और इसके अंदर अकाउंटिंग लॉस इसमें हम ये करेंगे, और इसके अंदर हम जो अगला काम करेंगे वो ये है कि इसमें वो लाइन लिखेंगे बिजनेस
पेनल्टीज, ठीक है जी, और इसमें हम डैश कर देंगे इसको, ठीक है। तो इसका हम इसमें लिख देंगे कि कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब एक मिनट जी, मैं जरा अच्छा बेटा, आपने अगर मुझे कॉल करनी है, मैं मोबाइल से कनेक्ट हूँ, आपने व्हाट्सएप पे करनी है, अगर कोई इशू नजर आ रहा हो तो आपने मुझे मेरे लैंड नंबर पे कॉल नहीं करनी, मेरा वो डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार, शायद कोई स्टूडेंट कॉल कर रहा है। चलें जी, अब दोबारा चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। कहता है जी, कमीशन ऑफ 250 मिलियन विच वॉज पेड टू आर डिस्ट्रीब्यूटर लियाकत बशीर On sale of PJ's product of 50 million, these products are covered under the third schedule of sales tax. Name of Liaquat Bashir is not appearing in the active taxpayer list. चलें जी, ये भी हमारा CA section था, section 21 CA के अंदर हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर retail goods जो हैं उसको आप deal कर रहे हैं तो जो आपका commission agent है उसको जो है वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब ये साहब रजिस्टर्ड नहीं है, तो पहले तो ये स्टेटमेंट को हम जरा कॉपी करें और अपनी स्टेटमेंट के अंदर इसको लेकर जाएं। ये एक स्टेटमेंट है हमारी, इसके अंदर इसने क्या किया है, प्रॉफिट को, प्रॉफिट इज रिड्यूस्ड बाय 2.5 मिलियन। प्रॉफिट क्योंकि कमीशन पे की है तो कमीशन आप उसको जो है वो पे कर सकते हैं, लेकिन अगर वो रिटेल गुड्स में आप डील कर रहे हैं, उसने आपकी रिटेल गुड्स को सेल किया, उसके अगेंस्ट आपने उसको कमीशन दी, तो फिर उसको किस किस में होना चाहिए, एटीएल के अंदर होना चाहिए था। अगर वो फाइलर नहीं है तो ये कमीशन आपकी सेल का 0.2% अलाउ होनी थी। चले मैं एक्सेल में जाके आपको इसका ट्रीटमेंट बताता हूं, यहां साइड पे करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। जो सेल हुई है एक्चुअल ग्रॉस सेल वो हुई है 50 मिलियन की, राइट, साथ साथ में पानी भी पीता जाओ। अगर ये एटीएल में होता, और इसको कमीशन कितनी दी गई है जो गिवन है, ये ट्रीटमेंट आपने ध्यान से देखना, वो है जी 25 लाख। अब चूंकि ये इसने सेल जो की है ये रिटेल गुड्स की है, राइट, और इसको एटीएल में भी होना चाहिए था, रिटेल गुड्स हैं लेकिन ये एटीएल में शामिल नहीं है, नॉट इन एटीएल, ये एटीएल में भी शामिल नहीं है, देन सेक्शन 21 आई थिंक सो इट वाज सीए, ये कहता है कि मैक्सिमम जो कमीशन आप को अलाउ है फिर वो है एट द रेट ऑफ 0.2% ऑफ द ग्रॉस सेल, वो आपको मैक्सिमम ये वैल्यू अलाउ थी, तो अलाउड वैल्यू कितनी आ गई, हम करेंगे 0.2% ऑफ, तो 1 लाख रुपया कमीशन अलाउ थी, सही है। अब इसका ट्रीटमेंट हम यहां पर क्या करेंगे, हम इसमें करेंगे जो चीज माइनस हुई है, गलत माइनस हुई है, उसको ऐड करेंगे, पहले ऐड कमीशन पेड टू डिस्ट्रीब्यूटर, हाउ मच, 25 लाख, और लेस करेंगे कमीशन अलाउड, मैक्सिमम कमीशन अलाउड टू नॉन फाइलर, दैट इज 0.2% ऑफ 50 मिलियन, ये लाइन हम एग्जाम में लिखेंगे
और यहां से 1,00,000 रुपया माइनस कर देंगे। ये बेटा मुझे बात बताइएगा कि आपको समझ आ गई है इस सेक्शन की एप्लीकेशन की या नहीं आई, ये आपने मुझे बताना है, फिर मैं आगे चलूं। देखें थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रही है नेट की वजह से, लेकिन इंशाल्लाह हिम्मत नहीं हारनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब ने बनना है तो ये काम चलते रहना चाहिए। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। तो अब चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट को भी ठीक कर लें। प्रॉफिट इज रिड्यूस्ड बाय 20 मिलियन, तो अलाउड था, ठीक है। हम लिख देता हूं, इफ अ पर्सन इज नॉट इन ATL एंड डीलिंग विद रिटेल गुड्स देन मैक्सिमम कमीशन एट द रेट ऑफ 0.2% ऑफ द ग्रॉस वैल्यू इज अलाउड। शाबाश, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टैक्स ट्रीटमेंट, इंक्रीज द प्रॉफिट, इंक्रीज मीन ऐड कर दें, इंक्रीज द प्रॉफिट बाय, यानी ऊपर जाहरी बात है लॉस है ना, तो मैंने कहा हम प्रॉफिट ही ट्रीट करेंगे, यानी हम ऊपर नहीं देखेंगे ऊपर माइनस है या पॉजिटिव है, हम प्रॉफिट ट्रीट करके एडजस्टमेंट करेंगे बाय 2.5 मिलियन एंड डिडक्ट या रिड्यूस ₹100,000 एज कमीशन। लिख देता हूं 50 मिलियन इंटू 0.2%, सही है जी। चलें जी, बिस्मिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी हो गया, बड़ा जबरदस्त काम हो रहा है जी। फ्रेट चार्जेस ऑफ 1.2 मिलियन व्हिच वर पेड इन कैश टू फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी इन कराची, कहता है जी हमने एक्सपेंसेस किए हैं। ले जी इसको कॉपी करें, शाबाश, ले, बड़ा जबरदस्त हो रहा है जी। अब जी प्रॉफिट इज रिड्यूस है, इससे क्या हुआ, अगर वो एक्सपेंसेस में शामिल है तो हम कहेंगे प्रॉफिट इज रिड्यूस्ड बाय 1.2 मिलियन, ठीक है। अब क्या एक्सपेंसेस अलाउ थे या नहीं थे, यस अलाउ थे, तो फ्रेट चार्जेस कैन बी पेड इन कैश, पे कर सकते हैं, हेंस अलाउड, जब अलाउ है तो इसका हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो ये भी हो गया, ओके करें जी मुझे या थम्स अप करें, फिर हम आगे चलते हैं। क्लियर हो गया मेरा बेटा ये बात, फ्रेट चार्जेस उसने माइनस किए थे, हमने कहा होने चाहिए थे, बिल्कुल हो गए। तो हम अपने सवाल में जाके क्या लिखेंगे, फ्रेट चार्जेस पेड इन कैश हाउ मच, 12,00,000, और इधर कर देंगे डैश। क्यों इसको लिखेंगे, क्योंकि एग्जामिनर कहता है शो ऑल रेलेवेंट एग्जेम्पशंस एंड डिसअलाउंसेस, आप वो करें जी मेरा बेटा, कमेंट करें आपको बिल्कुल सही समझ आ रही है। अदर इनकम आ गई, अमाउंट आ गई जी, रेंट, कैपिटल गेन आ गया। नहीं जी, इस क्वेश्चन में तो हमें ये वाली एडजस्टमेंट्स मिली हैं आकाश वाले क्वेश्चन में, तो ये जो एडजस्टमेंट हमें फिलहाल मिली थी मैंने आपके सामने
कर दी है। जी बताइएगा मेरा बेटा, इज फाइन? वेरी गुड। लें जी, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। वो है जी हमारा क्वेश्चन सितंबर 2021 का। हम इसको कॉपी करें और अपने नोट्स में जाके यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें। ये वाला हो गया और हम अब क्वेश्चन की एडजस्टमेंट्स को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या मांगा गया है हमसे? चैप्टर नंबर 16 है खालिद साहब की बुक का, जिसको मैं कर रहा हूं। ये आपके सामने 16 ए है, ठीक है? बिजनेस के क्वेश्चन उसकी एडजस्टमेंट मैं कर रहा हूं। ये है जी, दिस रूल्स कंप्यूट टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम। वही हम सिर्फ टैक्सेबल इनकम तक जा रहे हैं। जी इब्राहिम और रहील बड़े अच्छे बच्चे हैं। देखें ये कह रहे जी, और कंप्यूटेशन शुड कमेंस विद प्रॉफिट बिफोर टैक्स फिगर। यहां से शुरू होनी चाहिए, नॉर्मली हम यहीं से करते हैं। शो ऑल रेलेवेंट एग्जेम्पशन एंड एक्सक्लूजन, हम वो भी कर रहे हैं। अच्छा जी, इस क्वेश्चन के अंदर हमें, हाँ जी बेटा, उन्होंने कहा जी वो क्लास से गए हैं तो देर हो जाएगी। मेरी बात सुनो ना, उन्हें कहे वो आपको ना कॉल कर देंगे, वो क्लास में बैठे हुए। उन्हें कहा जी वो ना ऑनलाइन आज छुट्टी की है, उन्होंने घर में क्लास ले रहे हैं। जी अच्छा, ये देखिएगा कि इसके अंदर मिस्टर ए अ रेजिडेंट इंडिविजुअल है, इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वेरियस कंज्यूमर गुड्स। रिटेल गुड्स नहीं, कंज्यूमर गुड्स की बात कर रहा है। कंज्यूमर गुड्स में लाजमी नहीं रिटेल गुड्स हो, इसमें कंज्यूमर से मुराद है कि फर्नीचर का कारोबार कर सकते हैं, ग्लास का, स्टेशनरी का, ग्रोसरी का, कोई भी कारोबार हो सकता है। अंडर द नेम एंड स्टाइल ऑफ कामयाब एंटरप्राइजेस, कामयाब एंटरप्राइजेस के नाम से वो इसको कर रहे हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम केज रिकॉर्ड फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून को, वो उसका है टिपिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ये देखिएगा ये बना हुआ है, ये उसी तरह ही है जैसे कि आपको मैंने पहले 24 में दिखाया था। ये देखें उसी तरह तकरीबन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे पास बना हुआ है, तो ये स्टाइल भी है। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करते हैं। 12707 इसको यहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं जरा अपने सॉल्यूशन के ऊपर भी, हम यहां पर भी इसको ले चलते हैं। जी बेटा एक तो उनसे माजरत करो, उन्हें कहिए पापा ने कहा था, लेकिन क्लास उनकी जो ना बार बार नेट का मसला आ रहा है इस वजह से, तो उन्हें कहिए जी आप जो है ना ऐसा करें कि 12 बजे के बाद आ जाए मेरे पास, उन्हें कहिए फ्री हो जाएंगे इंशाल्लाह। अगर आगे ना 12 बजे के बाद उनको बिठा लेना फिर। अच्छा जी, सितंबर 21 का ये क्वेश्चन है। टिपिकली हम उसी तरह क्या करेंगे कि हम प्रॉफिट या लॉस अकाउंट को स्टार्ट करेंगे, अपने क्वेश्चन को लिखेंगे ऊपर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल बिजनेस इनकम, और यहाँ हमारे पास प्रॉफिट की बजाय क्या होगा, लॉस की बजाय इस क्वेश्चन में प्रॉफिट है। अच्छा, इसका भी मैं ऊपर आपको बताता चलूं कि अगर ऊपर लॉस होगा तो जब आप टोटल करेंगे इसका बेटा, तो ऑब्वियसली नेगेटिव फिगर आएगी, लॉस ही आ जाएगा। लॉस का क्या ट्रीटमेंट है वो एक अलग इशू है। ऊपर अगर गेन है, अगर आप इसका टोटल करेंगे तो जाहिर बात है कि आंसर में गेन आ जाएगा, ठीक है? फिलहाल तो मैं सिर्फ एक्सट्रैक्ट ले रहा हूं इसलिए उसको हम करते हैं। तो यहाँ हमारे पास गेन है इसमें 12707, ये 12.707 मिलियन है। यहां से हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और एडजस्टमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे इसके अंदर। प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया,
अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन ये हमारा आज का मौजू नहीं है, इसको नहीं देखना। ये आ रही है जी हमारे, एन अमाउंट ऑफ 40,000 पे टू अ फैक्ट्री सुपरवाइजर एज एडवांस सैलरी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल सिंस ही वॉज इन अर्जेंट नीड ऑफ अमाउंट द बैंक वर क्लोज्ड ऑन ड्यू टू द पाकिस्तान डे ही वॉज पेड इन कैश। 40,000 रुपया दिया गया है। सेक्शन क्या कहता है? 21 सेक्शन 121 हमें कहता है कि भाई साहब आप किसी बंदे को मजबूरी हो या जो भी हो आप 32,000 तक उसको दे सकते हैं, लिहाजा ये अमाउंट क्या होगी उसको डिस अलाउ हो जाएगी। तो हम लिखेंगे एक्सपेंस में ऐड हुआ है ना तो इसको लेस हुआ है तो उसको ऐड कर देंगे प्रॉब्लम में, लेस सैलरी पेड इन कैश 32,000 तक आप दे सकते थे तो 40,000 इसमें ऐड कर देंगे और साथ अपनी जो हमारी लाइन उसको है सिस्टम को भी अपडेट कर देते हैं। ये आ गया हमारे पास, ठीक है जी। प्रॉफिट इज रिड्यूस्ड बाय 40,000, सैलरी टू एन एम्प्लॉई कैन बी पेड अप टू 32,000 पर मंथ, ठीक है, थ्रू कैश लिखेंगे, हेंस डिसअलाउड, हेंस डिस अलाउड। तो 40,000 को हम क्या करेंगे, 40,000 will be added back in the profit, इसको हम उसमें add कर देंगे। सही है जी, क्लियर होगी ये बात, ये पॉइंट भी आपको। जी उन्होंने सवाल है, इनका सवाल ये है कि अगर सोल ट्रेडर खुद से सैलरी लेगा तो उसका क्या होगा, वो भी डिसअलाउ हो जाएगी क्योंकि वो पर्सनल एक्सपेंस में चला जाएगा ना, तो इसलिए वो भी हम उसको भी डिसअलाउ कर देंगे। फाइन, चैलेंज नेक्स्ट हमारे पास है जी, उसी क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड से क्या मुराद है? अगर कहा जाए एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस में शामिल है तो हम कहेंगे प्रॉफिट काम हुआ हुआ है। एक्सपेंडिचर इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू केस बिजनेस इट इंक्लूड सैलरी ऑफ 880 पेड टू साइंटिस्ट, मटेरियल 230 यूज्ड इन रिसर्च एंड 700,000 पेड टू अ कंपनी इन चाइना फॉर सपोर्टिंग केस साइंटिस्ट इन द रिसर्च वर्क। दिस एक्सपेंडिचर वॉज नॉट रिकॉर्डेड एज इनटेंजिबल एसेट। ये साइंटिफिक रिसर्च का है, इसका भी अभी हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये इसके ऊपर सेक्शन 27 या 26 या 27 अलग से है। आगे देखते हैं, एन एक्सपेंस ऑफ 6650 पेड एज एन इंस्टॉलमेंट टुवर्ड द परचेज प्राइस ऑफ एन इंडस्ट्रियल प्लॉट। 6,50,000 की उन्होंने इंडस्ट्रियल प्लॉट की पेमेंट की है, ये देखिएगा इंस्टॉलमेंट। तो बेटा ये तो एडमिन एक्सपेंसेस हैं, प्लॉट इंडस्ट्रियल प्लॉट है तो ये इनका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो नहीं है, ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो जिसको उन्होंने क्या किया हुआ है, अपने एडमिन एक्सपेंस में ऐड किया हुआ है, तो इसकी क्या करेंगे, रिवर्सल डालेंगे। ठीक है, प्रॉफिट इज रिड्यूस्ड बाय ₹650, ठीक है। अब हम लिखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर नॉट अलाउड,
ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे इसको, दिस अमाउंट इज डिस अलाउड। अगर डिस अलाउड है तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट कम किया ना इस अमाउंट ने, प्रॉफिट विल बी इंक्रीज्ड बाय रुपीज 650। राइट जी, चले अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हो गई। अब इस क्वेश्चन में कहता जी परचेज ऑफ गोड्स वर्थ रुपीज 225 फॉर सैक्रिफाइस ऑन ईद उल ज़ुहा, द पेमेंट वाज मेड थ्रू क्रॉस चेक। अब जरा ध्यान से देखिएगा, उन्होंने बकरे खरीदे हैं ईद उल ज़ुहा के ऊपर जिबा करने के लिए। अब इसके अंदर हमें करना पड़ेगा कि ये पर्सनल है या नहीं है। अब जाहरी बात है कि मिस्टर ए जो है उसकी ये पर्सनल एक्सपेंडिचर है, उसने ईद कुर्बानी करनी है, इसका कारोबार के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, अगर उसने ये बकरे जिबा करके मुलाजमों को खिलाने होते, कोई तो पार्टी करनी होती तो एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर्स अलाउ थे, लेकिन उसने ईद उल ज़ुहा के लिए बताया है, आगे कुछ मेंशन नहीं है, तो हम इसको पर्सनल एक्सपेंस लेंगे और इसको भी हम डिस अलाउ कर देंगे। ये देखिएगा जी, प्रॉफिट इज रिड्यूस्ड बाय, ये प्रॉफिट इसे कम हुआ है 220225 से, तो हम ये कहेंगे पर्सनल एक्सपेंडिचर्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, तो हम कहेंगे प्रॉफिट विल बी इंक्रीज्ड बाय रुपीज 225000, इससे हम प्रॉफिट को इंक्रीज कर देंगे। यहां देखिएगा, हमें ये भी करना था कि एट परचेज ऑफ प्लॉट, और इसमें करेंगे एट पर्सनल एक्सपेंडिचर। क्यों भी इब्राहिम, कितना जबरदस्त हो रहा है कि बारिश भी हो रही है और हम काफरों की टेक्नोलॉजी से कितना फायदा उठा रहे हैं। आप जो है वो घर बैठे हुए हो, मैं भी अपने घर बैठा हुआ हूँ, और हम जो है वो इंजॉय कर रहे हैं और तालीम भी हासिल कर रहे हैं और तालीमों तरबियत का सिलसिला भी चल रहा है। कैसा जबरदस्त है ये, तो हमें भी अंग्रेजों की इस तरह से पैरवी तो करनी चाहिए ना, कि नहीं जी। राहिल आप एंजॉय कर रहे हो कि बस, रशीद अहमद सॉरी जी, माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाए जी और आपको कामयाब करे, मेरी दुआ है आप दोनों के लिए। ओके, अब चलते हैं जी। कहता जी एडमिन एक्सपेंसेस में डोनेशन भी शामिल है, ये देखें 1 million टू अप्रूव्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, 40% ऑफ दिस अमाउंट वाज डोनेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन लिस्टेड दिस एंड दिस। पहली बात यह है कि भाई डोनेशन जो है इसका ये एक्सपेंस नहीं है, डोनेशन जो है बेटा ये एक्सपेंस नहीं होता, इस पे तो टैक्स क्रेडिट लिया जाता है। मैं सिर्फ सेक्शन 21 की एप्लीकेशन कर रहा हूं, इसलिए मैं लिखता हूं डोनेशंस, लिखता हूं प्रॉफिट इज रिड्यूस्ड बाय रुपीज 1 million। ठीक है जी, डोनेशन इज नॉट allowed as an expense, rather tax credit is allowed, so it should be added
बैक इन द प्रॉफिट, ठीक है जी, एंड अ टैक्स क्रेडिट मे बी अलाउड। दूसरा ट्रीटमेंट भी मैंने साथ लिख दिया, फिलहाल तो मैं सेक्शन 2021 का ट्रीटमेंट कर रहा हूं। तो हम कहेंगे प्रॉफिट विल बी इंक्रीज्ड बाय रुपीज 1 मिलियन, ठीक है, एंड टैक्स क्रेडिट मे बी अलाउड एज पर रूल्स, जो भी रूल्स हैं उसके मुताबिक हमें इसके ऊपर करना चाहिए। फाइन, टैक्स क्रेडिट की भी समझ आ गई कि आपने जो डोनेशन कैलकुलेट की थी वो गलत कैलकुलेट की हुई थी, जिसको के वो एक्सपेंस नहीं है, उसकी जगह गलत थी, उसको आप एक्सपेंस में से माइनस नहीं कर सकते। इब्राहिम, आपकी पहली अटेम्प्ट है, आपको हर चीज समझ आ रही है। नहीं जी, आगे कह रहा जी एन इंश्योरेंस जी, माशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह के घर में आपका पेपर निकल जाएगा दोनों का ही जी। एन इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 2000 पे टू रजिस्टर्ड इंश्योरेंस कंपनी फॉर हेल्थ इंश्योरेंस मिस्टर ए एंड हिज डिपेंडेंट। तो भाई ये भी पर्सनल एक्सपेंडिचर है, 2 लाख रुपए भी क्या है, पर्सनल एक्सपेंडिचर है, मैं उसमें ट्रीटमेंट नहीं कर रहा, ठीक है। ये सेम वही, इसको हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं, पर्सनल एक्सपेंडिचर 2 लाख के हैं, सेम यहाँ भी हम यही करेंगे कि प्रॉफिट को 2 लाख से इंक्रीज कर दिया जाएगा। साथ मुझे बता दिया करें कि मैं एक्सेल के अंदर भी ये कर दिया करूं, एड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ओनर्स 2 लाख की, ये अदर इनकम है जी। लो जी, ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। ले जी, अब आ गया हमारे पास मार्च 21 का क्वेश्चन, मार्च 21 का क्वेश्चन हमारे पास आ गया जी, मार्च 21। वही टिपिकल स्टाइल होगा हमारा कि हम अपने प्रॉफिट को प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करेंगे, और इसी तरह कंटेंट्स में भी हम मार्च 21 को डाल देंगे, मार्च 2021 का ये क्वेश्चन है, और इसका स्टाइल पहले देखेंगे है क्या। नहीं जी, मिस्टर एम ए ओन्स एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग मीन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इन द नेम एंड स्टाइल ऑफ एसी व्हिच इज अगेन इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। टिपिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है, ये देखिएगा रुपीज इन थाउजेंड्स है, टैक्स ईयर 2021 है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में प्रॉफिट शामिल है, राइट। एक्सपेंस के अंदर कोई खास हमें चीज नजर नहीं आ रही। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंक्लूड, यानी प्रॉफिट को कम किया गया है इन अमाउंट से। एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस मीन प्रॉफिट को कम किया गया है इन अमाउंट से। मार्केटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड्स, ये भी कम किया गया है, ठीक है। अदर इनकम इंक्लूड, ये भी हमारा एरिया नहीं है। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर डिप्रिसिएशन, ये अभी हमारा एरिया नहीं है। फाइन, तो हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को देखेंगे, और प्रॉफिट से 2468 हमारा प्रॉफिट है, उससे हमारा क्वेश्चन 2468000।
ये जी हमारा है, और हम इसको देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर सर डोनेशन को भी ऐड करेंगे जी, डोनेशन को भी ऐड, डोनेशन एक्सपेंस नहीं है बेटा, डोनेशन के ऊपर क्रेडिट मिलता है। आप डोनेशन जो है वो बेशक रिलेटिव्स को दें या जिसको भी दें, डोनेशन एक्सपेंस है ही नहीं, बिजनेस का एक्सपेंस नहीं माना जाता डोनेशन को। कहता जी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंक्लूड मीन इसने प्रॉफिट को कम किया हुआ है, रॉ मटेरियल 7.8 मिलियन नो विद होल्डिंग टैक्स वाज डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट। बड़ी जबरदस्त एडजस्टमेंट आ गई, क्या ट्रीटमेंट है इसको पहले कॉपी करें और फिर देखते हैं कि टैक्स विद हेल्ड नहीं किया गया तो क्या मसला पैदा होगा। रॉ मटेरियल बाय किया है जी, टैक्स डिडक्ट नहीं किया गया, ठीक है ना जी, इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट इज रिड्यूस्ड बाय 7.8 मिलियन। मैं लिख दूं, कोई कहेंगे सर उधर तो सर कुछ और लिखा है, आपने मिलियन लिख दिया है, मैं पूरा ही लिख देता, ठीक है। हम कहते हैं कि इफ पेमेंट इज मेड विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स देन expenses are not allowed. However, disallowance regarding raw material is maximum up to 20% of total परचेजेस। सही है, ये परचेजेस है। अब हम जरा उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें देखना पड़ेगा, हमें इसमें उसने सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल का बताया हुआ, ये जरा देखिएगा, मुझे चाहिए थी परचेजेस 21,217,000 है, 217 मिलियन है मुझे इसमें परचेजेस चाहिए। परचेजेस ढूंढने के लिए अगर उसने मुझे इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ तो मैं परचेजेस को फाइंड कर सकता हूं, अगर ना दिया हुआ तो मैं इस अमाउंट को फिर डिसअलाउ कर दूंगा, क्योंकि इसके साथ मुझे टोटल परचेजेस का होना लाजमी था, क्योंकि अगर आप रॉ मटेरियल के ऊपर टैक्स डिडक्ट नहीं करेंगे तो वो सारा डिसअलाउ नहीं होगा, वो मैक्सिमम 20% जो है वो आपकी सेल का डिसअलाउ हो सकता है। तो देखते हैं कहीं इसने हमें कोई चीज ऐसी दी हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसने ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया हो, नहीं दिया हुआ, राइट। तो इसके अंदर हम इसको परचेज समझ भी सकते हैं, अज्यूम करते हुए कि ये क्लोजिंग स्टॉक ना ओपनिंग है ना क्लोजिंग है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में सारे का सारा क्या है, ये यही चीज शामिल है, यही चीज जो है वो सारी शामिल है। अब अगर इसके साथ क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है, देखें मैं लिखता हूं कि इस क्वेश्चन के अंदर जो कॉस्ट ऑफ सेल है, कॉस्ट ऑफ जो सेल्स है वो है 217,197 और इसका मैं अगर 20% लूं तो बनता 43,00,000, यानी मैक्सिमम ये डिस अलाउंस था। मेरा डिफॉल्ट कितने का हुआ है, मेरा डिफॉल्ट हुआ है 78,00,000 रुपए का, तो इस लिमिट को क्रॉस तो नहीं ना किया इसने, यानी मैक्सिमम, तो इसको तो इसलिए मेरा सारे का सारा डिस अलाउ हो जाएगा। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने वाला कि मुझे, मैं इसको कॉस्ट ऑफ सेल को क्या अज्यूम कर रहा हूं, अगर मैं इसको अज्यूम कर लूं परचेजेस तो मेरा जो डिस अलाउंस है वो मैक्सिमम जो डिस अलाउंस था वो परचेजेस का ये बनता था, मैंने जो डिफॉल्ट किया वो इतने का किया, तो इस लिमिट को क्रॉस नहीं किया लिहाजा मैं इतना ही रहेगा। अच्छा एक मिसाल के तौर के ऊपर थोड़ा सा समझाता हूं, अगर मेरा डिफॉल्ट हो जाता 50 मिलियन का, अगर होता है तो नहीं लेकिन मैं अज्यूम करता हूं डिफॉल्ट होता 50 मिलियन का,
ठीक है, तो फिर इस केस में कितना, इस केस में कितना डिसअलाउ होता, 43490, क्योंकि मेरी लिमिट को इससे ज्यादा डिसअलाउ नहीं हो सकता था, मैं इसको परचेज अज्यूम कर रहा हूं, परचेज अज्यूम कर रहा हूं। अब हमारे केस में कितना होगा, सारे का सारा डिसअलाउ हो जाएगा 780, राइट। हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे पेमेंट मेड विदाउट रिडक्शन ऑफ टैक्स, ठीक है जी, ये मैंने इसमें वो कर दिया। अभी भी समझ नहीं आई इब्राहिम, आप कह रहे हो रिपीट कर दें, ये पॉइंट समझ आई कि नहीं अभी भी? ये ओरिजिनल क्वेश्चन में था और ये मैंने एक केस बना के आपको बताया कि अगर आप किसी अमाउंट का टैक्स नहीं काटेंगे, अगर आप किसी अमाउंट पे टैक्स बेटा नहीं काटेंगे तो वो डिसअलाउ हो जाती है, लेकिन आपकी जो रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स हैं वो आपकी परचेज के 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये मेरी सेल का 20% था, ये मैक्सिमम इसका 20% ये अमाउंट थी ना, तो मेरा जो मेरी जो डिसअलाउंस हो रहा है, मुझे जो अमाउंट रिवर्स करनी है जिसने मेरी इनकम को बढ़ाना है वो ये है। मैंने कहा अगर ये सवाल के अंदर 50 मिलियन का वर्ड लिखा होता तो फिर क्या होता, 50 मिलियन जो है वो मेरी इनकम मैक्सिमम रॉ मटेरियल के लिए इतनी इंक्रीज कर सकती थी, लेकिन अगर 50 मिलियन होता तो मैक्सिमम मैं इससे ज्यादा ना करता, विच एवर इज लोअर, यानी एक्चुअल दुनिया का एक्चुअल डिफॉल्ट रॉ मटेरियल का और 20% ऑफ द परचेजेस विच एवर इज लोअर हमने लेना। सही है, अब समझ आ गई है तो बताओ, यस करो। आप साथ कॉपी पे भी नोट कर रहे हो नहीं कर रहे? हाँ जी, खालिद साहब ने क्यों लिया हुआ है मैं आपको उसकी वजह बता देता हूँ। वो कह रहे हैं जी खालिद साहब ने तो इस किताब के अंदर इसका 20% लिया हुआ है, वो बस एक है पॉइंट ऑफ ओपिनियन है, उसको किया जा सकता है, मैंने और अजम्पशन से किया है, उन्होंने किसी और अजम्पशन से किया है, आई कैप का जो सोल्यूशन है उन्होंने ऐसे नहीं किया हुआ। वेरी गुड, मैं आई कैप के मुताबिक कर रहा हूँ, ठीक है, कि आई कैप इसका क्या ट्रीटमेंट ले रहा है और मैं उसे एग्री कर रहा हूं, इस पॉइंट पे मैं एग्री, ठीक है जी। मैं उसकी आपको प्रोविजन पढ़ा देता हूं कि लॉ क्या कहता है, मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूं लॉ की जो ऑर्डिनेंस है, फिर मैं आपको बताता हूं कि ऑर्डिनेंस क्या कह रहा है। ये देखिएगा, ये बजट और ऑर्डिनेंस आ गया, ये हमारे पास, हम टैक्स ईयर 24 में चले गए, 25 का भी ले लेंगे तो सेम है। ये आ गया मेरे पास फाइनेंस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आ गया, ये देखिएगा कंट्रोल एफ करूं, डिडक्शंस नॉट इनएडमिसिबल डिडक्शंस होगा, ये बिजनेस क्या आ गया 21 पे जाते हैं, ये मैंने ऑर्डिनेंस ओरिजिनल आपके सामने खोला हुआ है, ये देखिएगा अगर आपने टैक्स नहीं काटा, ये सी सेक्शन था इसका, सब सेक्शन सी के प्रोवाइडेड एनी एक्सपेंडिचर फॉर विच द पर्सन इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट और कलेक्ट टैक्स अंडर पार्ट दिस अनलेस द पर्सन हैज पेड और रिक्वायर्ड द टैक्स प्रोवाइडेड दैट दिस अलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स अंडर दिस क्लॉज शैल नॉट एक्सीड
20% ऑफ द परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। हाँ ये कह तो ये रहे, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। आई क्या आपने फिर इसका गलत किया हुआ, खालिद साहब ठीक कर रहे हैं, खालिद साहब जो है वो परचेजेस, लेकिन ये कंफ्यूजन तो है इसमें, कहता 20% ऑफ द परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। अब कौन सी परचेजेस जो हमने खरीदी हैं या दूसरे वाली, आई कैप इसका ट्रीटमेंट कर रहा है वो टोटल रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स का ले रहा है, तो इसकी क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। चलें हम खालिद साहब वाला ही ले लेते हैं, लेकिन आई कैप ने इसको टोटल का लिया हुआ, लेकिन बात ये समझ आ रही है 20% ऑफ परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, उसका मैक्सिमम 20% हो सकता है, ठीक है, तो हम इसका भी 20% ही ले लेते हैं, सही है, आप 20% ले लें इसका, इट्स ओके, अच्छा किया आपने ये करवा दिया। जो आई कैप है वो कहता है उसके मुताबिक उन्होंने जो सोल्यूशन लिया हुआ है वो कहते हैं कि परचेजेस रॉ मटेरियल एंड परचेजेस का, लेकिन चूंकि उसमें जजमेंट रिक्वायर्ड है कि टोटल परचेजेस का या उसका 20%, ये उन्होंने नहीं किया हुआ, मैक्सिमम का वर्ड भी नहीं है, लेकिन लग रहा है खालिद साहब की ये ट्रीटमेंट ठीक कर रहे हैं वो, आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते जा रहे हो यार, नहीं नहीं ये नहीं करना, बस आप जो भी है ना उसका डिसअलाउंस है आप उसको छोड़ दें, आप यही ट्रीटमेंट लें, ये आसान भी है और इजी भी है कि बस आप 20% जो है ना उसका माइनस कर लें, ठीक है, उसका जो है वो 20% माइनस कर लें। ये मार्च 21 का सलूशन भी कहीं पड़ा होगा, मैं देखता हूँ उसको भी कंफर्म अभी कर ही लेते हैं ताकि हमें मसला ना हो उसमें, मार्च 21 का जो मार्च 21 ऑटम होगा ना, ऑटम 21 का ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था जरा दोबारा देखते हैं, ये जी मार्च 2021 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये मैंने मार्च 2021 का क्वेश्चन नंबर 3 ओपन कर लिया, ये तो सितंबर का हो गया, मुझे मार्च का खोलना था, स्प्रिंग, ये जी आपके सामने 2021 का है, क्वेश्चन आ गया जी आपके सामने 3, ये नजर आ रहे जी आपको क्वेश्चन, मोहम्मद असगर 2468 ये वाला, ये लाइन, अब इसका ट्रीटमेंट देखते हैं कि आई कैप ने क्या किया हुआ, क्वेश्चन नंबर 1A1 A2 A3 A3, हाँ जी बिल्कुल सही है, चलें जी ये हमारा डन हो गया, ये एक फाइनल का क्वेश्चन था जिसमें मैंने इस तरह से देखा था, लेकिन अब ये बात मुझे भी कंफर्म होगी कि आई कैप और खालिद साहब का ट्रीटमेंट सेम है, ये देखिएगा आपने बड़ा अच्छा किया ये पॉइंट आउट करवा दिया, ये देखिएगा, ठीक है, ये वेरी गुड, चलें जी दोनों से हमें कंफर्म हो गया, अब कोई हमारे पास एम्बिग्विटी शामिल नहीं कि हम उसका 20% ही करेंगे। आगे चलते हैं जी, अकाउंटिंग प्रोविजन फॉर स्लो मूविंग इन्वेंट्री, देखें ये दोबारा पॉइंट रिपीट हो गया, सेम जो है ना वो रिपीट हो रहा है पॉइंट, जितने क्वेश्चन करते जाएंगे इंशाल्लाह तो आपके ये पॉइंट जो है ये रिपीट होते जाएंगे, ऑफ द टोटल परचेज, ये गलत है, 20% ऑफ द हाउएवर डिसअलाउंस इज 20% ऑफ
परचेज. सो प्रॉफिट विल बी एडेड शुड बी इंक्रीज्ड बाय रुपीस, कितना था बेटा वो 1560 that is 20% of the 7.8 million. ठीक हो गया जी. Very good. स्लो मूविंग हमारे पास आ गई स्लो प्रोविजन फॉर स्लो मूविंग, ऊपर भी थी उसी को कॉपी करके डाल देते हैं जाके टाइम बच जाए. ये था प्रोविजन फॉर स्लो मूविंग, मैं इसी को रिपीट करके इधर ले आता हूं. स्लो मूविंग का 18 लाख, अठारह लाख से ये भी माशाल्लाह हो गया. वेरी गुड जी. तो अपने क्वेश्चन के अंदर भी हम कर देते हैं एड प्रवीण, प्रवीण अलाउ नहीं है और स्लो मूविंग स्टॉक. ये मैं दो दो जगह पे ट्रीटमेंट कर रहा हूं, आप तंग तो नहीं हो रहे कि सर ये कभी उधर कर रहे हैं कभी उधर कर रहे हैं? जी सर पानी पीता रहो. मैंने कहा जरा आपको समझ आ जाए ना. अच्छा जी आ गया जी. एडमिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इंक्लूड, एडमिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इंक्लूड रुपीज 676,500 पे टू अ लोकल होटल फॉर होल्डिंग एनुअल ईद मिलन पार्टी फॉर एम्प्लॉयज एंड देयर फैमिली. तो एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर अलाउ है हमें, उसमें कोई मसला तो नहीं है. ठीक है तो हमें क्या करना है, इसमें इसको कॉपी करते हैं. यहां पर हम लिखते हैं जी ईद मिलन पार्टी प्रॉफिट इज रिड्यूस्ड अलाउड. ये हमें अलाउ है ठीक है, अलाउड एज पर सेक्शन 20 and 21. दोनों सेक्शन ने हमें अलाउ किया हुआ है कि जी आप जो है वो सेक्शन 20 कहता है तमाम एक्सपेंसेस जो बिजनेस के लिए किए जाएं वो अलाउ हैं, और सेक्शन 21 कहता है कि आप एंटरटेनमेंट एम्प्लॉयज के लिए करें, ईद मिलन पार्टी नई ब्रांच ओपन करें वो भी आपको अलाउ है. तो लिहाजा नो टैक्स ट्रीटमेंट. तो एक्सेल की फाइल में जाके भी इसको लिख लेते हैं ठीक है, ईद मिलन पार्टी फॉर एम्प्लॉइज अलाउड, यहां जीरो कर देंगे. अच्छा जी फिर कहता जी हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है जी, दिस पेड एज पेनल्टी टू कस्टमर इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम फॉर डैमेजेस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ बैच ऑफ वैक्सीनेशन. बिजनेस पेनल्टी है अलाउड है. लेबोरेटरी टेस्ट एंड इन हाउस इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट लेवल ऑफ इम्प्योरिटीज इन द वैक्सीनेशन एक्सीडेड द एक्सेप्टेबल लेवल एज एग्रीड इन द कॉन्ट्रैक्ट. पेनल्टी टू कस्टमर को पे की है इसने ठीक है, लॉ की वायोलेशन नहीं है, कस्टमर के अंदर उसने जो इम्प्योरिटीज थी वो ज्यादा थी तो ये हमें क्या होगी डिस अलाउ हो अलाउ है ये ठीक है. अगर ये किसी लॉ के अगेंस्ट हम पे करते तो वो हमें डिस अलाउ हो जाती.
ये पॉइंट पहले भी आ चुका हुआ है कहीं कस्टमर के रिगार्डिंग हमने किया था, फ्रेट कमीशन पेनल्टी फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स, ये ट्रीटमेंट ऑलरेडी हो चुका हुआ है, ठीक है। अलाउड सेक्शन बिजनेस पेनल्टीज आर अलाउड नो टैक्स ट्रीटमेंट। फिर डोनेशन आ गया जी दोबारा, अब देखें जरा चीजें मुझे लग रहा है कि रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। डोनेशन टू हॉस्पिटल एस्टेब्लिश फॉर द गवर्नमेंट, ये देखिएगा डोनेशन आ गया, ये हमने डोनेशन को डाल दिया इधर, और डोनेशन की पहले भी अमाउंट आई हुई है उसी के मुताबिक करेंगे ये वाली। डोनेशन हमें अलाउ नहीं है एक्सपेंसेस में से माइनस करना, तो 2.3 मिलियन जो है वो कर देंगे, 2.3 मिलियन से उसको प्रॉफिट को इंक्रीज कर देंगे। इन डोनेशन दोबारा वही चीज है कि क्या डोनेशन हम माइनस कर सकते थे, द आंसर इज नो। डोनेशन के ऊपर क्रेडिट मिलना है, अगर मिलना है तो क्रेडिट मिलना या नहीं मिलना, प्रॉफिट को हम इंक्रीज कर देंगे क्योंकि हमें ये एक्सपेंस अलाउ नहीं है। मार्केटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड द रिवॉर्ड वॉज पेड इन कैश टू वन ऑफ द सेल्समैन फॉर एक्सीडिंग दिस, एम्प्लॉई को आपने 5 लाख रुपया कैश में दे दिया है, दे सकते हैं। अब देखिएगा मैं एक एम्प्लॉई को पर मंथ आप 32,000 तक दे सकते हैं, फाइन 32,000 ठीक है पर मंथ पर एम्प्लॉई, ये तो लमसम इन्होंने दे दिया है, तो हम इसको क्या करेंगे एड बैक कर देंगे, एड सैलरी पेड इन कैश। आप एक अच्छा काम कर रहे हो, साथ साथ सोल्यूशन भी देख रहे हो कि उस्ताद कहीं डंडी ना मार दे गलत ना कर दे, वेरी गुड ठीक है। कैश की पेमेंट कहाँ आई थी, पहले भी आई थी प्रॉफिट सैलरी पेड इन कैश आई थी ना, सैलरी आपने कहीं पे की हुई है, सैलरी कहाँ आई थी जी, सैलरी सैलरी चले यहां दोबारा लिख देते हैं अगर नहीं पता चल रहा तो। Profit is reduced by 500,000 rupees. ठीक है, salary paid in salary to employee लिख देते हैं, salary to an employee can be paid up to rupees 32,000 per मंथ पर, ये लिमिट जो है वो चेंज होती रहती हैं लेकिन फिलहाल ये 32,000 है। सो द प्रॉफिट विल बी इंक्रीज्ड बाय रुपीस 500,000, आपको डिस अलाउ हो गया था। डोनेशन वाली फिगर कह रहे ऐड नहीं करनी, डोनेशन दी है हाँ जी करनी है, कहाँ थी वो, कितनी डोनेशन उसने दी थी, 23 लाख जी बिल्कुल ऐड करनी, थैंक यू ऐड डोनेशन। वेरी गुड, चलें जी आगे है जी, अदर इनकम सेकंड हैंड प्री कमेंसमेंट टैक्स डिप्रिसिएशन, ये हमारे नेक्स्ट इश्यूज हैं। हमारे पास कितनी अटेम्प्ट्स हो गई हैं, हमारे पास अगर हम देखें
एक तो क्या भाई ये दो हो गई, तीन चार, चार हो गई। एक और कर लेते हैं ताकि कम से कम पांच अटेम्प्ट जो है हमारे पास वो हो जाए। ठीक है जी, एक अटेम्प्ट और कर लेते हैं ताकि हमारा, मेरा ख्याल है कि उससे हमें काफी चीजें बल्कि ये तो बिल्कुल ही छोटा सा है, सितंबर 2020 का क्वेश्चन है, इसको वैसे ही पढ़ लेते हैं। स्क्रीन मेरी आप लोगों के साथ शेयर हो रही है ना जी? कहता है जी, सैलरीज ऑफ दिस पे टू टू एम्प्लॉयज इक्वली इन कैश विद होल्डिंग इनकम टैक्स वाज डिडक्टेड एज रिक्वायर्ड। कैश में पे कर दी है ना जी? देखें, दो एम्प्लॉयज को सैलरी जो है वो आपने वो की है। अच्छा, 8,40,000 रुपया है, तो ये पूरे साल की बता रहा है ना, तो हमें क्या करना चाहिए कि इसकी पर मंथ जरा देख लेनी चाहिए कि 840,000 डिवाइडेड बाय 12, तो ये 70,000 है, तो पर मंथ से ये एक्सीड कर रही है, लिहाजा ये हमें डिसअलाउ हो जाएगी ये वाली अमाउंट। फिजिबिलिटी स्टडी ये आगे आएगा। डोनेशन है जी, अच्छा अब ये देखिएगा, उसने यहां लिखा डोनेशन ये पे की है, ये पॉइंट जरा देखिएगा, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। अगर ऐसे लिखा हो, ये ना लिखा हो कि डोनेशन किसी एक्सपेंस का हिस्सा है, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें सिंपल उसका कुछ नहीं करते, उसको एड बैक नहीं करना। अगर कोई चीज किसी गलत जगह नहीं पड़ी हुई तो उसका जो ट्रीटमेंट है वही करना होता है, उसके लिए हम फर्दर जो है इसमें कोई और चीज नहीं करेंगे। सितंबर सितंबर 2020 का क्वेश्चन है, मैं कोई बड़ा क्वेश्चन देखना चाह रहा हूं कि वो कोई क्वेश्चन हमें बड़ा मिले। ये देखिएगा जी, इसके अंदर हमारे पास एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, राइट? ये क्वेश्चन है जी हमारा मार्च 19 का, इसमें भी वही मिलते जुलते पॉइंट्स हैं। जितने पॉइंट हमने कर लिए तकरीबन वो रिपीट होना शुरू हो गए हैं। वो शुरू में देखते हैं, शायद शुरू में कोई क्वेश्चन हमें मिल जाए। ये क्वेश्चन है आपकी किताब में 16.1, ए बी एसोसिएट इज एन एओपी, राइट? ये बता रहे हैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है, ये जरा डिफरेंट तरह का गिवन है। सेल्स विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स, परचेजेस, सैलरी टू प्रोडक्शन मैनेजर, डिप्रिसिएशन, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, सही है। इसमें कोई चीज हमें डिसअलाउ तो नजर नहीं आ रही। सैलरी टू पार्टनर है, ये देखिएगा, ये डिसअलाउ होंगी क्योंकि फर्म के लिए सैलरी पार्टनर्स को देना अलाउ नहीं है, ठीक है जी। एडवर्टीजमेंट प्रवीण, ये देखें प्रवीण आ गई, प्रवीण को भी आपने एड बैक करना है। ये हमें, यानी हम यहां से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे,
यहाँ से जो चीजें नजर आ रही हैं उनको हम यहाँ पर एड बैक कर देंगे, डिफरेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। और ये देखिएगा, अदर मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस इंक्लूड मींस एक्सपेंस में वो शामिल है 28,000 सिंगल पेमेंट इन कैश, ठीक है, और फ्रेट चार्जेस सारे के सारे कितने हैं आपको एक्सपेंस अलाउ है, रिपीट हो रहा है पॉइंट। कहते जी अदर एक्सपेंसेस रिप्रेजेंट, अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या शामिल है, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है, हो सकता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस कुछ नहीं पता, आगे इंटरेस्ट है इसका बाद में पढ़ेंगे, बैड डेट्स का भी बाद में पढ़ेंगे, आगे चलते हैं। खालिद, ये इनका नेट इनकम है जी, ये इनकी, इसको एक्सपेंसेस डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड फॉलोइंग एक्सपेंसेस, सैलरी की है जी पार्टनर को, ये देखिएगा एओपी है, ठीक है, और एओपी ने क्या किया है, ये उसकी रेंटल इनकम है, ये उसका लॉस है, ये देखें दोबारा लॉस आ गया, नेगेटिव अमाउंट है, एक्सपेंसेस डेबिटेड, सैलरी दी है जी उन्होंने सुहेल को और खालिद को, कितनी हो गई टोटल 15 लाख, नहीं अलाउ, एड बैक करेंगे, माइनस हुई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों ये तीनों को दिया हुआ है प्रॉफिट ऑन डेट, ये भी अलाउ नहीं है, इसमें और कोई एक्सपेंस नजर नहीं आ रहा। डॉक्टर सोना आगे जी, एक नया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया हमारे पास, ये कह रहे हैं कि हमें 16.16 मार्च 2019 की सेकंड एडजस्टमेंट, ठीक है चलते हैं जी 16 पे चले जाते हैं, हमें कौन सा बिल आ रहा है इसका 16 के ऊपर, कंप्यूटर आता है मुझे, सेकंड एडजस्टमेंट ये वाला, ये बेटा आप पूछ रहे हैं आप, जी दिस वन, बेटा बताएं आप ये वाला पॉइंट पूछ रहे हैं मेरे से, जी कहता जी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंक्लूड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंक्लूड से क्या मुराद है, एक्सपेंस है, ठीक है, इसका मतलब इसने प्रॉफिट को कम किया हुआ है, इसने प्रॉफिट को कम किया हुआ है, फ्रॉम चाइना उसमें शामिल है यूज्ड मशीनरी फ्रॉम चाइना अमाउंटिंग टू रुपीज दिस 21,10,000 रुपए की, ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर, मशीनरी तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस कि उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, ऐसा एक्सपेंस जिसका फायदा आपको 1 साल से ज्यादा मिले उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, जैसे बिल्डिंग, जैसे प्लांट, जैसे मशीनरी, जैसे फर्नीचर जो आप यूज करते हैं, या एडवर्टीजमेंट, हैवी एडवर्टीजमेंट हो तो इसको एड बैक करेंगे। आगे कहता दिस कॉस्ट इंक्लूड पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी एंड इनकम टैक्स ऑफ दिस टू कलेक्टर ऑफ कस्टम, बेटा कस्टम ड्यूटी तो एक्सपेंस हमें इजाजत है, इसका तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, इसको एड बैक करेंगे, इनकम टैक्स हमने पढ़ा सेक्शन 21 में कि हमें अलाउ नहीं है, लिहाजा इसको क्या करेंगे, एड बैक कर देंगे। चले हम अपनी उस एडजस्टमेंट में इसको भी डाल लेते हैं ताकि हमें समझ इसकी भी आ जाए, अच्छा पॉइंट है, ठीक है, यहां हम लिख देते हैं The profit is reduced by all these amounts tax treatment, ठीक है, capital expenditures are allowed, so
2.110 shall be added. ये तो टैक्स स्टेटमेंट में लिखते हैं, इसको जाकर टैक्स स्टेटमेंट में लिखते हैं. पॉइंट था इसमें कस्टम ड्यूटी इज एन एक्सपेंस. सो ठीक है, कस्टम ड्यूटी एक्सपेंस है. नंबर थर्ड था इनकम टैक्स इज नॉट अलाउड एज एन एक्सपेंस. तो हम इसको एड बैक करेंगे एंड इनकम टैक्स पे टू कस्टम ड्यूटीज नॉट अलाउड. पे टू क्यों लिखना है, रुपीज 110 इज आउट. जी ठीक हो गया बेटा. और कोई पॉइंट इसमें आपको? पेमेंट ऑफ दिस टू अ होटल लोकल होटल फॉर होल्डिंग ईद मिलन पार्टी फॉर द पेमेंट ऑफ एम्प्लॉइज एंड कस्टमर. ठीक है, चलें हम इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे. अब आप इसके ऊपर सोचें अलाउड है या नहीं है, आपके लिए भी थोड़ा सा काम देते हैं अब. ठीक है ना, पेमेंट ऑफ फिक्स्ड मंथली रेमुनरेशन टू ईच पार्टनर बाय एओपी, इसको भी लिख देते हैं. सही है, बाय एओपी यहाँ लिख देता हूँ मिसलेनियस. स्पेलिंग ठीक करो अपने. ठीक है जी, चलें और देखते हैं पॉइंट. पेमेंट ऑफ फॉर परचेज ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. नहीं जी, इसका बताइएगा क्या होगा. सॉफ्टवेयर का कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, इसकी लाइफ एक साल से ज्यादा है, तो क्या लिखेंगे इसके आगे. कमेंट्स लिखने हैं आपने, क्या लिखेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसके ऊपर. फैमिली की वजह से डिसअलाउंस है, कौन सा पॉइंट पूछ रहे हैं आप फैमिली की वजह से. हमने कहा था कि हम ये तो सैलरी का क्वेश्चन आ गया, साथ ही दूसरा भी आ गया. फाइनेंशियल चार्जेस इंक्लूड, ये फाइनेंशियल चार्जेस हमें ये वाले एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस, परचेज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये देखें दोबारा आ गया. एडमिन एक्सपेंसेस ठीक है जी, ये वाला पॉइंट आ गया. आपने सोचना है यहाँ ये सब के अंदर यही लिखा हुआ है एडमिन एक्सपेंसेस इंक्लूड. ये लिख देते हैं एक्सपेंसेस इंक्लूड ये भी आ गया. अब आपने इसका इसके आगे लिख रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि ये क्या करना है.
मेरा ख्याल है कि आपकी बुक के अंदर भी ये चीज शामिल है, सैलरी पर मंथ वाज पेड टू ताहिर ब्रदर हु हैंडल द फाइनेंशियल मैटर्स। ये देखिएगा जी, ये जो ओनर है उसको सैलरी पे की गई है उसके भाई को, चलें ठीक है। ताहिर ओनर, चलें ठीक है जी, इतना मेरा ख्याल है कि काफी अच्छी प्रैक्टिस होगी है इसकी, इंशाल्लाह ताला ये बेहतर हो जाएगा। ठीक है जी, मुझे इजाजत दें, अल्लाह ताला खुश रखे आपको, अल्लाह हाफिज। रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड।